भारत मालदीव विवाद, पीएम मोदी पर टिप्पणी, एक्शन में भारत, मालदीव के हाई कमिश्नर को किया तलब, विदेश मंत्रालय पहुंचे मालदीव के उच्चायुक्त, भारत के खिलाफ किस शत्रु ने उगला जहर, ड्रैगन की गोद में जा बैठे मालदीव के राष्ट्रपति, पीएम मोदी के लक्षद्वीप विजिट पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मालदीव के मंत्रियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के लक्षद्वीप विजिट की तस्वीरें शेयर करते हुए अपमानजनक टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में ये सभी एक्स पोस्ट हटा दिए गए थे। फिर भी भारत ने इस मामले में अपना कड़ा विरोध दर्ज करवाया था। नतीजतन मालदीव की सरकार ने विवादित टिप्पणी करने वाले अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। इन मंत्रियों के नाम मरियम शियोना, मालशा शरीफ, महजूम माजिद हैं। भारत सरकार की तरफ से अधिक दबाव बनाए जाने की खातिर सस्पेंड हुए एक मंत्री महजूम मजीद ने अपना एक्स अकाउंट तक डिलीट कर दिया है। मालदीव की सरकार ने अपने मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों को उनकी निजी टिप्पणियां बताया है। भारत सरकार इतना सब कुछ पनिशमेंट देने के बावजूद भी खामोश नहीं बैठी। अब भारत सरकार ने इस मामले में मालदीव के उच्चायुक्त को भी तलब कर लिया है। दिल्ली में मालदीव के उच्चायुक्त ने भारत सरकार के पास अपनी हाजिरी लगाई है। एक तरफ जहां पीएम पर अपमानजनक टिप्पणी की वजह से भारत सरकार आग बबूला हुई दिखी और मालदीव सरकार को बैकफुट पर जाने को मजबूर किया, तो वहीं अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। ऐसा लग रहा है कि भारत के किसी शत्रु देश ने मालदीव सरकार के कान भर दिए हैं। भारत से बढ़ते विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ड्रैगन की गोद में जा बैठे हैं। ड्रैगन यानी चीन भारत का मुखर विरोधी देश माना जाता है। मोहम्मद मुइजू ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। क्या मोहम्मद मुइजू ने शी जिनपिंग से मिलकर भारत को गीदड़ भभकी दिखाई है? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी पर मालदीव के मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों के बाद से भारतीयों ने मालदीव का कड़ा बहिष्कार किया है। बता दें कि मालदीव देश घूमने के लिए बेहतरीन देशों में से एक है और मालदीव की एक बड़ी कमाई का हिस्सा सैलानियों की जेब से ही जाता है। इसकी आर्थिक व्यवस्था इसके टूरिस्ट प्लेसेस पर काफी हद तक निर्भर करती है। लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। प्रतिशोध की भावना में आकर भारतीय सिनेमा जगत के कई सितारों ने भारत के टूरिस्ट प्लेसेस को प्रमोट किया है। कई लोगों ने मालदीव में अपनी छुट्टियां बिताने का प्लान कैंसिल कर दिया है। इजी माई ट्रिप ने मालदीव की सभी उड़ानों की बुकिंग कैंसिल कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत पित्ती है और मैं इज माई ट्रिप का को फाउंडर हूँ। इज माई ट्रिप भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है, जिसने पिछले साल 8,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। हमारी कंपनी पूरी होम ग्रोन मेड इन इंडिया कंपनी है और हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो इस माई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिखाया है कि हमारे पास में मालदीव से भी बेहतर बेहतर लोकेशंस है, लक्षद्वीप के जैसी उन्होंने हमें वीडियोस दिखाई, उनके पिक्चर्स दिखाए। हम खुद लक्षद्वीप जा चुके हैं पास्ट में और हम दोबारा लक्षद्वीप जाने वाले हैं और हम बाकी एयरलाइन से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाए लक्षद्वीप की दिल्ली से, बॉम्बे से, बैंगलोर से। और हमने इस माई ट्रिप पे 5 नए पैकेजेस भी लाइव किए हैं लक्षद्वीप के प्रचार में। प्लस हम अयोध्या का भी काफी प्रचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अयोध्या लक्षद्वीप जैसी एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन जाए हमारी कंट्री के अंदर, जहां पे बाहर से लोग आए और हमारे देश को, हमारे देश में टूरिज्म का बढ़ावा हो। इसके तहत हमने डिसीजन लिया है और हम चाहेंगे कि बाकी की एयरलाइंस, ट्रैवल पोर्टल्स भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। हमें बिजनेस से पहले देश के बारे में सोचना चाहिए और इसके लिए हमने ये छोटी सी मुहिम की है। धन्यवाद। भारत के लोग अपने पीएम के साथ खड़े हैं। वो किसी भी हाल में अपने पीएम का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत ने मालदीव को बता दिया है कि उसके किसी भी नेता के बारे में बोलना कतई आसान नहीं है। फिर चाहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास जाएं या कहीं और, भारत के लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक मालदीव पर वायुकाट की बड़ी मार पड़ी है। 8,000 होटल बुकिंग और 2,300 फ्लाइट टिकट कैंसिल होने का दावा किया जा रहा है। लगता है मालदीव का बुरा हाल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।